स्वागत आपका आज इस वृंदावन के स्कॉन टेम्पल में, विच इज अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ वृंदावन। एंड आज हम बात करेंगे वृंदावन के स्कॉन टेम्पल के बारे में और जानेंगे इसके बारे में, आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं और राधा कृष्णा जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अभी यह स्कॉन मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और एक हिंदू धर्म से जुड़ी प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस स्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन में स्थित स्कॉन मंदिर को 1975 ईस्वी के दौरान संगमरमर से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने इसका निर्माण करवाया था। श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर के निर्माण के बाद जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निधन हुई, तब इनका भी प्रतिमा इसी मंदिर के प्रांगण में स्थापित कर दिया गया, जो कि मैं आपके आगे दिखाऊंगा। वृंदावन में स्थित इस मंदिर की आंतरिक या बाहरी हिस्सों में नक्काशी इस तरीके से दिखाई गई है कि देखने वाले देखते ही रह जाए। और यहाँ से देख सकते हैं आप, अभी हम टेंपल के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहीं से अभी हम आपको पूरे टेंपल की यात्रा कराऊंगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए, ये सामने ही प्रभुपाद जी के बारे में हर चीज, एक एक चीज दिखाई गई है यहाँ पे, कैसे कैसे वह रहा करते थे। और वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक है पौराणिक कथा का जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि द्वापर युग में के समय जब श्री कृष्ण और बलराम छोटे थे, तब जिस स्थान पर खेलकूद गोपियों को परेशान किया करते थे, अब गांव को चराया करते थे, उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। इस्कॉन मंदिर जहाँ पर स्थित है, इस स्थान को श्री कृष्ण और बलराम के बचपन से जुड़ी हुई बताई जाती है, इस बारे में कहा जाता है। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें पता लगी। यहाँ पे देख सकते हैं सामने ही ये प्रतिमा, और इस इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर को विजिट करने यहाँ आपके लिए उचित समय हो सकता है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में शाम में होने वाली आरती को काफी महत्व दिया जाता है। सफेद मंगमर से बना इस मंदिर में श्री कृष्ण से जुड़ी कई पेंटिंग और घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो आपको देखने को मिलेगा। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं की पोशाक दिन में 2 बार बदली जाती है, और वृंदावन के इस्कॉन मंदिर परिसर में इस मंदिर के अलावा कई कुंड और उद्यान बने हुए हैं। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण और बलराम के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी देखरेख भी कुछ फॉरेनरों के द्वारा की जाती है, जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, आप मिल सकते हैं। और अगर आप यहाँ इसको विजिट करना आना चाह रहे हैं, और आप अगर आप वृंदावन आते हैं, तो इस टेंपल को विजिट करना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, इसलिए आपको मैं बता दूं कि वृंदावन में स्थित इस इस्कॉन मंदिर का गेट सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है एवं दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया जाता है। फिर इसको शाम को 4 बजे खोला जाता है और शाम रात 8:15 पर बंद कर दिया जाता है। इसी समय के मंदिर में कई आरती व अन्य गतिविधियां होती हैं। मंदिर के खुलने लेकर बंद होने तक आपको यहाँ हरे कृष्णा धुन सुनने को मिलता ही रहेगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसको एंटर करके जब अंदर आएंगे। और जब हम यहाँ पे गए थे तो सैटरडे का दिन था और अच्छा खासा क्राउड मुझे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत अच्छा खासा क्राउड आता है, जो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ की नक्काशी बहुत ही ज़बरदस्त नक्काशी है, शानदार टेंपल बनाया गया एकदम, देख ही सकते हैं आप यहाँ से। हर चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और एक चीज़ बता दूं कि इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, और इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल मान्यताएं भगवद्गीता पे आधारित हैं। इस्कॉन मंदिर का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, और जहां वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु की पूजा, और गौड़ का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश में से है। माना जाता है कि इसी जगह पर वैष्णव संप्रदाय की शुरू हुई थी, और मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों और कार्यों को समर्पित, जिसमें
भक्ति योग का अभ्यास प्रसार करने के लिए स्कॉन संस्था बनाई थी और स्कॉन के उपदेश और प्रथाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु जी 1486 और 1532 द्वारा शुरू किया गया और संहिताबद्ध किया गया था। और ये है मेन टेंपल जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, यही है। जब आप सामने की ओर आएंगे तो ये मेन टेंपल है, अंदर सामने श्री कृष्ण जी की प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से दर्शाई गई है चीज़ें। यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा खासा भीड़ और क्राउड है, और यहीं से मैं अंदर आया और क्लिप लेने की कोशिश करी। और ये है बाहर का हिस्सा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दृश्य सामने आ जाएंगे कि ऐसा ही आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जैसा आभास होने लगेगा। सफेद सुंदर बने मंदिर और वहां पर रामा कृष्ण से धुन धुनाई जो सुनाई देती है, हर तरफ भगवान कृष्ण के नाम का जाप। सबसे बड़ी खास बात है, इस्कॉन मंदिरों में देखने को मिलता है कि इस्कॉन में जितने भारतीयों की संख्या होती उससे कई ज्यादा विदेशी श्याम के रंग में रंगे होते हैं। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे विशेष आयोजन होता है। और अभी हम यहाँ से टेंपल के बाहर आ गए हैं, ये देख सकते हैं टेंपल का कितना खूबसूरत व्यू है। और यहीं से एक 10 मिनट की दूरी पे बाई वॉक आप इजीली प्रेम मंदिर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जिसके बारे में आप अगले वीडियो में बात करेंगे। और यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, ये थी एक पूरी जानकारी इस टेंपल की जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। यह है भोजन कक्ष। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्णा। Thank you.